दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी की 247 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें पढ़ेंगे आज प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक। प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक, तो आइए शुरू करते हैं। मात्रक, सबसे पहले तो मात्रक की परिभाषा। मात्रक किसे कहते हैं? किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? मात्रक। आगे चलते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट एवं व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट एवं व्युत्पन्न मात्रक एंड डिराइव्ड यूनिट्स। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। तो देखते हैं भौतिक राशि, भौतिक राशि और एसआई के मूल मात्रक और उनके संकेत। तो एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 7। तो सबसे पहले जैसे लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और मीटर का संकेत क्या होता है? एम। दूसरा है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और इसे इसका संकेत है केजी या किग्रा। नेक्स्ट है समय, समय का मात्रक क्या है? सेकेंड, और सेकेंड किससे दर्शाते हैं? एस से। ताप, ताप का मात्रक क्या है? केल्विन, और केल्विन को किससे दर्शाते हैं? के से। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर, और एम्पियर का संकेत क्या है? ए। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को का मात्रक क्या है? कैंडिला, और कैंडिला को दर्शाते हैं सी डी से। नेक्स्ट है पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण का मूल मात्र क्या है? मोल, मोल को दर्शाते हैं एम ओ एल से, मोल। एसआई के संपूरक मूल मात्र जो कि कितने होते हैं? एसआई के संपूरक मूल मात्र कितने होते हैं? 2। एक तो समतल कोण, और समतल कोण का मात्र क्या होता है? रेडियन, और रेडियन को किससे दर्शाते हैं? आर ए डी, रेड से। और दूसरा है घन कोण, घन कोण का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन, और इसको दर्शाते हैं, इसका संकेत है एस आर। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है क्षेत्रफल, दाब आदि। खगोलीय दूरियों को मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है। खगोलीय दूरियों को मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10^15 मीटर होता है। अन्य सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। आगे देखते हैं मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। भौतिक राशियों को मापने में 4 पद्धतियां प्रयुक्त की जाती है। भौतिक राशियों को मापने में 4 पद्धतियां प्रयुक्त की जाती है। पहली है एमकेएस पद्धति, दूसरी है सीजीएस पद्धति, और तीसरी है एफपीएस पद्धति, और चौथी है एसआई पद्धति। तो दोस्तों भौतिक राशियां और पद्धतियां और उसमें प्रयुक्त मात्रक जो इस प्रकार हैं। जैसे भौतिक राशि है लंबाई, तो इस एम के एस में इसको इसका मात्रक है मीटर, और दूसरी है सीजीएस, सीजीएस में लंबाई का मात्रक क्या है? सेंटीमीटर, और एपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है? फुट। और इसी प्रकार से द्रव्यमान का
जो एमकेएस पद्धति में मात्रक है किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम, और सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? ग्राम। और इसी प्रकार से एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? पाउंड। और समय का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है? सेकेंड। तो दोस्तों एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और में तीनों में समय का मात्रक क्या है? सेकेंड, क्योंकि समान होता है। और इनके जैसे एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, तीनों पद्धतियों में जो नाम होता है इनमें ही, इनके नाम में ही ये सब कुछ छुपा हुआ होता है। जैसे एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड, सीजीएस में जैसे सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड, एफपीएस पद्धति में एफ से फुट और पी से पाउंड और एस से सेकंड। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त की जाती है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू है वो है एसकेएस, एमकेएस पद्धति या फिर एसआई पद्धति। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो आइए देखते हैं इनको। प्रमुख भौतिक राशियां और उनके मात्रक, प्रमुख भौतिक राशियां और उनके मात्रक, राशियां और उनके मात्रक। तो सबसे पहले दोस्तों लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं ताप, ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और इसको दर्शाते हैं एस। नेक्स्ट देखते हैं विभवांतर, विद्युत विभवांतर और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विद्युत विभवांतर और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत धारिता, विद्युत धारिता और इसे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस भी कहते हैं इसको, और इसका मात्रक क्या होता है? फेराडे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम, और विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर, ओम प्रति मीटर या ओम प्रति सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं आवर्ती, आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। धारिता, धारिता का मात्रक क्या होता है? फेरड। पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण का मात्रक क्या होता है? मोल। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। और तापमान का मात्रक क्या होता है? तापमान का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस। प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। द्रव पदार्थ के आयतन को मापने की इकाई क्या कहलाती है? बेरल। समुद्री दूरी का मात्रक क्या है? नॉटिकल मील। समुद्री दूरी के मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? क्यूरी। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। प्रदीपन तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता का मात्रक क्या है? लक्स या लक्स या ल्यूमन मीटर पर, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रदीपन तीव्रता का मात्रक लक्स या ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। हाँ तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या है? वेबर। नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मात्रक क्या है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय प्रेरण,
चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है गॉस या टेस्ला या फिर न्यूटन एम्पियर प्रति टन। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है बार, और दाब का मात्रक क्या है पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है डेसिबल। लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है फर्मी मीटर। लंबाई की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है पारसेक। लंबाई को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है पारसेक। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष खगोलीय पिंडों की दूरी का मात्रक है। बल का एसआई मात्रक क्या है न्यूटन। और सीजीएस पद्धति में जो बल का मात्रक है डाइन। कोणीय संवेग की इकाई क्या है जूल प्रति सेकंड। कोणीय संवेग की एसआई इकाई क्या है जूल प्रति सेकंड। विभवांतर की इकाई क्या है जूल प्रति कूलाम। एसआई में बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है 3.36 इंटू 10 की पावर 5 जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है जूल। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्य का एसआई मात्रक क्या है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। और ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है जूल। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है अर्ग। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एक सेल की धारिता मापी जाती है एम्पियर घंटा में। बल आघूर्ण का मात्रक क्या है न्यूटन मीटर। और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता की इकाई क्या है ऑस्ट्रेड। दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हीरे के संबंध में कैरेट का क्या मतलब है उसका भार। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है आवेश की मात्रा का। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है न्यूटन प्रति कूलाम। प्रोसेसर की गति का मात्रक क्या है मेगा हर्ट्ज। और प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या है लक्स। फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है टेस्ला। ज्योति फ्लक्स का घनत्व क्या है ल्यूमेन। गैस नियतांक का मात्रक क्या है जूल प्रति किलोग्राम। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कोणीय त्वरण का मात्रक क्या है रेडियन प्रति सेकंड। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। और वेग का